जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिजनों को 30,000 रुपए की सहायता दी जा रही है, जिसके संबंध में जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके परिवार में यदि किसी भी व्यक्ति मृत्यु किसी के कारण से 59 साल तक हो जाती है तो ऐसी दशा में 1 साल के अंदर आवेदन करता है तो उनके परिजन व उनकी पत्नी जो कि विधवा है तो उनको 30,000 रुपए की सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर और मृत्यु व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी लगाना आवश्यक होता है, जिसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारी बीएन सिंह ने कहा, देखिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना ऐसे लोगों के लिए है जिनके परिवार का मुख्य आय अर्जक जो कि जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और 60 से कम हो, यानी 59 साल तक की उम्र तक के लोग, इसके लिए कि अगर मृत्यु हो जाती है किन्हीं भी कारणों से, सामान्य परिस्थितियों में या किसी बीमारी या दुर्घटना कारण, तो ऐसी दशा में मृत्यु तिथि के 1 साल के अंदर आवेदन करने पे उसके आश्रित को, चाहे वो उसकी विधवा महिला हो या नाबालिग बच्चे हों या अविवाहित लड़की हो, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। उनको 30,000 रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाती है। इसके लिए आवेदक को अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, परिवार रजिस्टर और इसके अलावा मृत व्यक्ति का मृत प्रमाण पत्र, ये सब अभिलेख आवश्यक होते हैं जिनके आधार पर आवेदन कर सकते हैं।